तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई बाइक की रिव्यू के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लैटिना 100cc कंफर्टेक के बारे में। तो दोस्तों, स्पेशल ये बाइक जानी जाती है अपने माइलेज के बारे में। जो बाइक 100 रुपये के पेट्रोल में आपको तकरीबन 90 से ऊपर ही माइलेज आपको देखने को इसमें मिल जाता है। ये आपको एक वेरियंट में मिल जाती है जो कि ड्रम वेरियंट आता है। इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये ब्लैक एंड रेड कलर भी देखने को मिल जाता है। सेकंड जो कलर आपको देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है। और थर्ड जो कलर आपको देखने को मिलता है, वो ब्लैक एंड ब्लू कलर मिल जाता है। और फोर्थ नंबर पे जो कलर मिलता है, ब्लैक एंड गोल्ड कलर आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते इसकी हेडलाइट सेटअप की, आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही बाइक मिल जाती है। थोड़े से नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। DRLs भी आपको यहाँ पे सामने मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट भी यहाँ पे मिल जाती है। अच्छे अच्छे ग्राफिक्स आपको इसमें फ्रंट की तरफ देखने को मिल जाते हैं। बात करते इसकी फ्रंट सस्पेंशन की, आपको 135mm का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में मिल जाता है। और रियर में आपको 110mm का स्प्रिंग सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ड्रम वेरिएंट में ये बाइक आपको मिल जाती है। वही इसके फ्रंट टायर की अगर बात करें, तो इसमें 275/17 का आपको फ्रंट में टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और रियर में आपको 300/17 का टायर इसमें मिल जाता है। फ्रंट व्हील साइज आपको 431.8mm की मिल जाती है। और रियर में आपको 431.8mm की व्हील आपको इसमें मिल जाती है। अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाती है। ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लो क्रैडल फ्रेम आपको इसमें मिल जाती है। इंजन की अगर बात की जाए, तो इंजन आपको इसमें 4-stroke DTSR सिंगल सिलेंडर 102cc का इंजन इसमें आपको मिल जाता है। इसकी मैक्स टॉर्क आपको 8.3 Nm एट 5500 RPM की इसमें मिल जाती है, जो कि एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है। जिसकी चौड़ाई आपको 713mm की मिल जाती है। जिसकी लेंथ आपको 2006mm की मिल जाती है। हाइट आपको 1100mm की मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर की मिल जाती है। और सैडल हाइट आपको 807mm की मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200mm का मिल जाता है। फ्यूल बेस आपको 1255mm का मिल जाता है। और कर्व वेट आपको 117kg का इसमें मिल जाता है। तो माइलेज के हिसाब से देखा जाए, तो ये बाइक काफ़ी अच्छा आपको इस बाइक में माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि कम्फर्टेक और सस्पेंशन आपको काफ़ी बेहतरीन ये बाइक प्रोवाइड करती है। TVS स्पोर्ट और बजाज CT 100 ये भी काफ़ी बाइक अच्छा माइलेज दे देती है, बट उनसे बेहतर आपको प्लैटिना 100cc कम्फर्टेक में आपको ये माइलेज देखने को मिल जाता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, तो एक शोरूम महाराष्ट्र बारामती में प्राइस आपको 66,272 रुपये के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। वही इसका ऑन रोड प्राइस आपको 79,368 रुपये का देखने को मिल जाता है। अगर आपको प्राइस कम चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, और अगर अच्छे कम्फर्टेक और अच्छा सस्पेंशन अगर आपको चाहिए, तो आप इस बाइक के साथ ज़रूर जा सकते हैं। अगर ये बाइक आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।